वैष्णो देवी चौक पर विधायक कृष्णाजी खोपड़े के मार्गदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सावित्री भाई फुले की जयंती मनाई। भाजपा शहर अध्यक्ष जितेंद्र और बंटी कुकड़े ने सावित्री भाई फुले के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल ने प्रस्तावना की। अध्यक्ष बंटी कुकड़े ने सावित्री भाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में महिलाएं सिर्फ घर की शोभा बढ़ाती थी, परंतु समाज में शिक्षा की क्रांति लाते हुए सावित्री भाई फुले ने महिलाओं को साक्षर करने का बीड़ा उठाया, जिससे आज तक महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। कार्यक्रम में भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष सेतराम सेलुकर, प्रदेश प्रवक्ता चंदन गोस्वामी, पूर्व नागपुर प्रसिद्धि प्रमुख मनोज अग्रवाल, पूर्व नगर सेवक हितेश जोशी, महेंद्र कटारिया, संजय रावल, इंद्रजीत वासनिक, अशोक सावरकर, संदीप साबू, मनोहर चिकटे, संदीप डेंगला, विजय हजारे, मधुसूदन सारडा, गिरीश पिल्लई, लखन श्रीवास, आशीष मार्चीवी, मच्छिंदर सिलेवारू, मुकेश खंडेलवाल, दीपक पांडे, अशोक सोमानी, अक्षय चोटिया, येंडे जी आदि ने भी सावित्री बाई फुले के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बेटी बचाओ में चश्मे का वितरण भी किया गया। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।